हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर लेना गाइस। सिद्धार्थ की फैमिली की तरह आदित्य हमेशा उनके साथ रहे हैं और उनके जाने के बाद वो हमेशा से शहनाज के साथ दिखाई दिए हैं। शहनाज कहीं भी जाती थी बाहर, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन आदित्य हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब क्यों वो शहनाज के साथ नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ हैं, क्या वो अब शहनाज की टीम का हिस्सा नहीं है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं, वो लगातार कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई आदित्य कहाँ हैं, वो अब क्यों शहनाज के साथ नहीं दिखाई देते हैं, क्या उन्होंने शहनाज की टीम को छोड़ दिया है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं भाई शहनाज ने उन्हें निकाल दिया है। आदित्य सिद्धार्थ की फैमिली ही हैं, हमने देखा वो किस तरह से सिद्धार्थ के जाने के बाद भी हमेशा फैमिली के साथ रहे हैं। सिद्धार्थ की मम्मी रीता आंटी के साथ दिखाई दिए वो बहुत जगह, चाहे ब्रह्म कुमारीज में भी कई बार हमने उन्हें देखा है, तो वो हमेशा फैमिली के साथ रहे हैं आज तक। और पहले वो कभी शहनाज के साथ नहीं दिखाई देते थे, मतलब जब सिद्धार्थ थे, लेकिन उनके जाने के बाद शुरू में तो ऐसा है कि जैसे कुछ बैब भी होती थी या वो साइड में रहते हो या जैसे भी, नहीं दिखाई दिए। लेकिन बाद में थोड़ा टाइम बाद ही, जैसे जो शहनाज के व्लॉग आने लगे शूट के, क्योंकि शहनाज पैप नहीं होती थी और वैसे भी उनकी कोई वीडियोस नहीं आती थी, सिर्फ यूट्यूब पर वो व्लॉगिंग के जरिए ही मतलब फैंस को दिखाती थी भाई कैसे शूट हुआ है या क्या हुआ है, तो वहाँ पे हमने वहाँ से देखना स्टार्ट किया कि आदित्य शहनाज के साथ रहने लगे हैं और हमेशा हर जगह वो शहनाज के साथ दिखाई दिए। उसके बाद चाहे कोई मतलब ऐसा है, कोई इवेंट है या शहनाज जो है मंदिर गई या कहीं भी, हमने देखा वो हमेशा शहनाज के साथ रहे। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है तब से आदित्य साथ नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को कहना है कि शहनाज ने आदित्य को निकाल दिया है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आदित्य जो है वो मुंबई में थे ही नहीं, वो बहुत टाइम से नहीं थे, क्योंकि आदित्य मुंबई के हैं नहीं, बाहर के हैं। अब सालों में कभी भी हर कोई इंसान अपनी फैमिली के पास जाता है या जहाँ भी, तो वो यहाँ पर थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो शहनाज के साथ ही नहीं थे, वो यहाँ थे ही नहीं और ना ही कभी उनकी स्टोरी आई इतने टाइम से। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही उनकी स्टोरी आई, वो सिद्धार्थ वाली जो कार है, जो सिद्धार्थ रखते थे अपने साथ, आदित्य चलाते थे, उस कार को चला रहे थे, उन्होंने पूरी स्टोरी डाली थी। कल भी उन्होंने एक स्टोरी डाली है, कल तो ऐसे ही डाली है कि भाई मुंबई में कोई इवेंट वगैरह होगा वहाँ के लिए, लेकिन उन्होंने कार की स्टोरी कई दिन पहले डाली थी। तो वो अब वापस आए हैं, तब से शहनाज भी कहीं पैप नहीं हुई है या किसी इवेंट वगैरह में नहीं गई हैं, तो जो वो शहनाज के साथ दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब टीम का हिस्सा नहीं है, निकाल दिए गए हैं, जो भी है वो ज़रूर शहनाज के साथ दिखाई देंगे जब भी अब शहनाज कहीं पैप होंगी या इवेंट में जाएंगी। तो ये जो बेफालतू में नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि इस वजह से निकाल दिया है, ये कारण है, वो कारण है, या आदित्य ने टीम को छोड़ दिया है, वो शहनाज के साथ नहीं रहना चाहते, उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, ये सब फेक न्यूज़ है। ओके गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।